हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नियो वर्ल्डटेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी भारतीय डाक विभाग की तरफ से बड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस में आई सीधी और बम्पर भर्ती की। आज ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आपको बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस वैकेंसी के लिए केवल आपको फॉर्म भर के ही जमा कराना होगा, ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भर के कहां पर आपको जमा कराना है और कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज आपको लगाने होंगे, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या ना आए और आपका फॉर्म जो है बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं आज की नई भर्ती की, जो निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की ओर से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पोस्टमैन एमटीएस की पदों पर और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर, पोस्टल असिस्टेंट के पदों पर यह भर्ती देखने को मिल रही है। और यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आवेदन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा www.tipsworldbus.xyz। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आकर के आप भर्ती की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नहीं, दो नहीं, टोटल तीन बड़ी भर्तियों की जानकारी लेकर आया हूं, जो कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली जा रही है अलग अलग राज्यों में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात पोस्टल सर्कल में आई नई भर्ती की, जो कि एमटीएस पोस्टल और यहां पर पोस्टमैन की वैकेंसी देखने को मिल रही है। गुजरात पोस्टल सर्कल की तरफ से 144 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए केवल दोस्तों आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। एज लिमिट 18 से 27 साल है, उसके अलावा आयु सीमा में छूट अलग से है। एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए ₹120 है और पेमेंट आपको चालान के द्वारा ऑफलाइन ही करना होगा। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके 17 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। 20 मार्च 2020 लास्ट डेट है आवेदन करने की। नोटिफिकेशन के साथ आपको लिंक भी दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी भर्ती की, जो निकाली जा रही है पोस्टल असिस्टेंट जूनियर अकाउंट्स की है। और यहां पर पोस्टल अकाउंट की वैकेंसी भी है और शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन की वैकेंसी है, जो कि ऑफलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। और आपको बता दें, यहां पर केवल आपकी इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगी। सैलरी आपको 25,000 से लेकर 81,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट वही सेम है, 18 से 27 साल है, आयु सीमा में छूट अलग से है। एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए ₹200 है, वहीं एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है। पेमेंट आपको यहां पर ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका की पोस्टल सर्कल की जॉब लोकेशन है। आवेदन कैसे करना है पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। 26 फरवरी 2020 लास्ट डेट है आवेदन करने की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड नंबर की एक और वैकेंसी की, जो निकाली जा रही है वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल की ओर से। जी हां दोस्तों, वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों पर भर्ती आ चुकी है 223 पदों पर। इन के लिए केवल आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। सैलरी आपको लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। एज लिमिट 18 से 25 साल है, आयु सीमा में छूट अलग से है। और यहां पर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 17 फरवरी है। तो ये थी नई भर्तियों की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।